दोस्तों मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के सरोजी नगर मार्केट में और यहाँ पे चल रही है राखी की सेल धमाका। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर आप आ रहे हो तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैं परेशान हो गई पूरी मार्केट में। अभी थोड़ा बहुत चक्कर काट के आ रही है, दोबारा मुझे जाना पड़ेगा, बहुत भीड़। आज पैर रखने की जगह नहीं है, तो अंदर जाके देखते हैं पहले और फिर देखते कुछ समझ आता नहीं आता, नहीं तो फिर वापस चलेंगे। सरोजी नगर जाने के लिए आपको पिंक लाइन मेट्रो लेनी होगी जो राजपथ नगर से बहुत पास है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोई बात नहीं, भीड़ को इग्नोर करते हुए आप गेट नंबर 1 से एग्जिट कर लेना। ओके, ठीक है। इतनी भीड़ अरे बाबा रे, आदमियों का क्या काम है इस मार्केट में भैया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अंदर आने के बाद पहला रूल है आपको कि भीड़ को चीड़ते हुए आपको अंदर जाना है, फिर यहाँ की दुकान को ताड़ना है और फिर देखना है कि आपके मतलब की क्या चीज़ है। अगर आपको लगे दूर से हाँ वो मेरे मतलब की, तब आप उस दुकान में घुस जाओ, फिर उससे पूछो वो कितने की, वो आपको 3 गुना रेट बताएगा, तो आप उसे कम कराते अपने मतलब के रेट लगवा के आप ले लो। अभी देखो यहाँ झुमकों की सेल लग रही है तो ऑलरेडी 30 रुपये की दे रहे हैं, इससे मैं और क्या ही कम कराएं। तो यहाँ पर भैया सूट इतने बढ़िया सूट आ रखे हैं, पहले तो ये मार्केट वेस्टर्न के लिए बहुत ही मशहूर, अब यहाँ पर सूट भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया यार। इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर एक दिन में ये सभी लोग मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, सही पैसा होगा। ये देख रहे हो आप गाउन, अलग अलग कलर के लहंगा सूट, फ्रॉक वाले सूट डिज़ाइन, अलग अलग तरह के मतलब जो भी हैं ये, तो मतलब सब सेल 300 रुपये की। आप यार जो भी भर सकते हो तुम यहाँ से भर लो। कोई सी भी 350 उस वाले मंगाना भाई। कॉन्फिडेंस देख रहे हो लोगों का, मतलब डायरेक्ट कोई बोल रहे हैं चने में चने, देख लो भैया, मतलब नो डाउट अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सकते हो बहुत ही कम रेट में। बच्चों के लिए लेना है तो बच्चों के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे कलेक्शन है, बहुत सारे डिजाइन है, लेकिन तो बच्चों को ला नहीं सकते, हम इतनी ज्यादा भीड़ है। ऐसे कौन मार मार के चप्पल चेक करता है, मैं कर रही हूँ जैसे मुझे चप्पल से चीटे बहुत मारने हैं ना, मक्खियाँ मार रही हैं, मैं मार मार के चप्पलों को चेक कर रही हूँ। तो फाइनली बहुत मशक्कत के बाद एक बैग तो मैंने ले लिया और अभी मैं जो ढूंढ रही हूँ स्लीपर वो देखती हूँ मिलती नहीं मिलती। चलो यहाँ इस मार्केट में भीड़ है समझ में आता है, पर लड़के यहाँ पे क्या करना है, लड़कों का क्या काम है, इतनी भीड़ तो उन्होंने लगा रखी है लड़कों ने। मेरा खाने वाला बैग टांगना था इन्होंने मार्केट में, चारों तरफ घूम लिया कि मुझे मेट्रो वाला एग्जिट नहीं मिलता। यार मैं जो सोच रही थी वो लेने का तो वो तो मुझे मिला ही नहीं, मैं स्लीपर लेने का सोच रही थी, वो डिज़ाइन वाली मैंने सब जगह ढूंढा पर नहीं मिली, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मैं कैसे पसंद कर पाती। और दूसरी बात, पहली बार मैंने इतनी भीड़ में लोगों के साथ निकल के व्लॉगिंग करी है, चारों तरफ घूम लिया भैया रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। देखो मैंने आइसक्रीम भी कितना घोटाला कर रहे हैं, 20 रुपये की आइसक्रीम 30 रुपये दे रहे हैं और रेट भी मिटा दिया, ये देख रहे हैं यहाँ पे MR, ये इन्होंने मिटा दिया अपनी मर्जी से और 30 रुपये की दे रहे हैं, लूट रहे हैं सब, लूट लो। शॉप और क्रीम बेल की आइसक्रीम रख के और 20 रुपये की आइसक्रीम 30 रुपये की दे रहे हैं, क्या चलो इस बात को मैंने छोड़ दिया।
मोस्ट क्राउडेड प्लेस, मतलब ये साउथ कैंपस है जहाँ पे मिलते हैं बहुत ही अच्छे मोमोज। अभी शॉपिंग करें बाहर निकले और कुछ ना खाओ तो ऐसे कैसे मज़ा आएगा। तो हम उस गली में पहुँच गए जहाँ पर बहुत ही मेरे फेवरेट मोमोज मिलते हैं, उस शॉप का नाम है, आप भी देख लो। तो ये है वो गली जहाँ मिलती है जन्नत मतलब मिलते हैं बहुत बढ़िया मोमोज, दिल्ली में सबसे अच्छे मोमोज। मैंने हर जगह के मोमोज खाए हैं लेकिन यहाँ के मोमोज में जो टेस्ट है ना वो अलग है। कभी कभी मन होता है कि कारीगर खरीद लो और अपनी अलग दुकान बना लो। आ गए मोम है मोमोज। चलो चलो भैया अंदर चलते अंदर चलते अंदर चलते अंदर चलते अंदर चलते अंदर चलते ये वो हाथ धो लेते पहले। आ गए हमारे मोमोज सोया फ्राई, बड़े कम दिए फुल ब्रेड में उन्होंने। हम तो बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, टेस्ट एकदम इक्वल है। तो साउथ कैंपस से, मतलब साउथ कैंपस में जो शॉप है मोम हैंड्स की, वहाँ से मोमोज खाने के बाद मैं घर जा रही थी मेट्रो से। लेकिन मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी हद से ज़्यादा भीड़ है, मेट्रो से जाना कैंसिल और मैं जा रही हूँ ऊबर ऑटो से। ऑटो आ रहा है मेरा, क्या बहुत लंबा रास्ता है, ट्रैफिक मिलेगा शाम का वक्त है, मतलब संडे है, तो कोई बात नहीं ऑटो से जाना पड़ेगा। डिमांड शुरू हो जाती है कि मम्मी का फ़ोन आया कि भैया सिम्बा की कैल्शियम बोन खत्म हो गई, वो लेकर आनी है, वो लेने आई हूँ मैं। और इसके लिए एक गले का वो पट्टा, आपको तो पता है सारे पट्टे काट चुका है वो, और वो नेक वाला दिखा दो जिसमें चेन होती है, है ना, जिससे वो टाइट हो सकता है, चेन वाला पट्टा जो टाइट हो सकता है ना, वो वाला दिखा दो जिससे फिटिंग। गले में तो वो पट्टा आएगा ये वाला, नहीं नहीं एक ऐसा आता है इसमें चेन, आधी चेन होती है आधा पट्टा होता है, तो उसको खींचते ना वो टाइट हो जाता है। वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आपके पास, तो वाले को पूरा सेट मिल जाएगा आपको। नहीं वो पैरों में पहनने वाला, चेस्ट वाला भी मिल जाएगा। हाँ। और जो गले वाला पकड़ने वाला वो नहीं, चेस्ट वाला दे दो क्योंकि गले वाला सारा तोड़ देता है, सारा काट देता है। हमारा भी मिल गई है जितना, कितनी छोटी वाली भैया, इसका इतना ही साइज रहता है या बड़ी भी होती है ये वाली जो है? ये बड़ी होती है, और बड़ी हो जाएंगी। ये बच्चा डाल रखा है आपने, और ये पन्नी के अंदर क्यों रख रखी है भैया मछली? पन्नी वाली भी बड़ी होती है। ये पन्नी के अंदर इनको साफ आ जाती है? ये फाइटर पीस है। कौन सी पीस है? फाइटर। लड़ाई करती है ये? नहीं, ये नाम ही इसका फाइटर है। अच्छा, नाम फाइटर है। मैंने सिम्बा के लिए देखी कि पहले भैया ये दिखा रहे थे पट्टा, तो भैया सिम्बा 10 पट्टे काट चुका है। ये चेन मजबूत रहेगी ना भैया? छोटी बड़ी भी कर सकते हैं क्या इसमें? अच्छा, इसके साथ ये लगा दोगे आप ना?